कि क्या कुरान मजीद पाक मुकद्दस किताब खाली मुसलमानों के लिए नहीं, ये हदायत है, कोई भी पढ़ सकता है। आप देखिए, जब सूरह फातिहा हम खोलते हैं तो अब सबसे पहले आता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो रब है पूरे में पूरे आलमों का। आप देखिए कि आपने ये कुरान की बात की है, आलमीन यानी जो आलम है उसमें चिंद परिंद जिन सब आते हैं, सबका जो है रब है वो अल्लाह है, वो रब रब्बिल आलमीन है, पूरे आलम का रब है, आलमों के भी हिस्से हैं। ये बड़ा वसी हो जाता है क्योंकि इंटरव्यू ले रहे हैं। आपने कहा आप तालिब है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा वसी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा है, बड़ी वसी है, बड़ी वसी है। ये सलूट करता हूँ मैं उलमे हक को और अपने मुसलमान भाइयों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट की, जिन्होंने प्यार दिया, मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अरबी भी सीखूँ। मैं आपके व्यूज़ दे रहा हूँ, मैं उनको थोड़ी कह रहा हूँ, किसी भी मज़हब वाले को, किसी भी अपने भाई को मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप भी अडाप्ट करो, आप भी ऐसे करो। मैं सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में जितना मुझे पता है, जितना अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मैं तालिब इल्म हूँ, इसलिए मैं तालिब कहता हूँ। कि लोगों ने कहा था ये छू तालिब, और ये नहीं इनको पता है कि भाई तालिब क्या गई, तालिब होता है उपजीत सिंह तालिब, उपजीत सिंह तालिब, तालिब यानी तालिब क्यों तालिब साथ रखा है कि इसमें अच्छा लगता है कि तालिब अलीम हूँ मैं, यानी मैं स्टूडेंट हूँ, सीखने निकले। बिल्कुल, और जो सिख होता है, सिख का मीनिंग ही यही है कि सीखने वाला। जी तालिब जी, हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आप बखूबी वाकिफ़ है कि हमेशा इस्लाम के हवाले से ये खूबसूरत बातें कहा करते हैं और हमेशा मुसलमानों को इस्लाम की तलकीन किया करते हैं। उपजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपको मुबारकबादी हो। आप जो मैसेज भाईचारे का पूरे कश्मीर में फैला रहे हैं, ये मैंने सुना कि पूरे दुनिया में इसे सराहा जा रहा है, और आपके जो इस वक्त जो आप काम कर रहे हैं, जो भाईचारे की बात कर रहे हैं, इस्लाम की जो बात कर रहे हैं, इस पर आपको तमाम दुनिया के लोग जो है इस वक्त मुबारकबादी दे रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी आपको मुबारकबादी। उपजीत जी, सबसे पहले एक सवाल आपसे रहेगा कि जब आप इस्लाम की बात करते हैं बहसत सरदार, तो क्या कहा जाता है आपको, क्या इल्ज़ाम दिए जाते हैं? देखिए सर, सबसे पहले मैं QNS चैनल वालों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फिर यहाँ पे आने का मौका दिया, और जब भी आप हुक्म करते हैं मैं आ जाता हूँ। क्यों आ जाता हूँ? मेरा आने का मकसद यही है कि एक भाईचारा जो कश्मीर में है, जो चल रहा है, इंशाल्लाह आगे भी चलता रहे। बिल्कुल, उसमें जो भी हम कश्मीरी हैं, हमारा हम सब का एक फ़र्ज़ बनता है कि हम इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दें। तो दूसरी बात आपने ये की कि इस्लाम के बारे में, देखिए बात ये है कि सारे मज़हब अच्छे हैं, कोई मज़हब बुरा नहीं है। आपको आपका मज़हब मुबारक है, मुझे अपना मज़हब मुबारक है, हिंदू भाई को बेशक, कुरान में भी अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, आपको अपना दीन मुबारक, हमें अपना दीन मुबारक। अब बात यह है कि कुछ लोग होते हैं, यानी कुछ लोग, सारे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग दरपर्दा जो होते हैं, सामने आके बात नहीं कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों को भड़का देते हैं, ये क्या कह गया, वो कह गया, वो कह गया। मुझे अफसोस है ऐसे लोगों को अपने भी धर्म का पता नहीं होगा जो इस तरह की बातें करते हैं। मेरा मिशन यही है सिर्फ, अगर रमज़ान का महीना चल रहा है, शबे कदर आने वाला है, ईद आने वाली है, आप एज ए प्रेस रिपोर्टर एक गैर मुस्लिम से पूछ रहे हैं कि आपके विचार क्या हैं, आपके व्यूज़ क्या हैं। बिल्कुल, तो मैं आपके व्यूज़ दे रहा हूँ, मैं उनको थोड़ी कह रहा हूँ, किसी भी मज़हब वाले को, किसी भी अपने भाई को मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप भी अडाप्ट करो, आप भी ऐसे करो। मैं सिर्फ़ कुरान और हदीस की रोशनी में जितना मुझे पता है, जितना अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मैं तालिब इल्म हूँ, इसलिए मैं तालिब कहता हूँ। कि लोगों ने कहा था ये छू तालिब, और ये नहीं इनको पता है कि भाई तालिब क्या गई, तालिब होता है उपजीत सिंह तालिब, उपजीत सिंह तालिब, तालिब यानी तालिब क्यों तालिब साथ रखा है कि इसमें अच्छा लगता है कि तालिब अलीम हूँ मैं, यानी मैं स्टूडेंट हूँ, सीखने निकले। बिल्कुल, और जो सिख होता है, सिख का मीनिंग ही यही है कि सीखने वाला। सिख भी पूरी जिंदगी सीखता है, गुरु और सिख, सिखिज्म में देखेंगे गुरु टीचर सिखाने वाला, और सिख जो है ये सीखने वाला है, सीखने वाला है। तो यही अफसोस है उन लोगों के पे मुझे, कि मुझे लगता है कि उनको यहाँ पे जो कश्मीरियत का भाईचारा है उन लोगों को पसंद नहीं है, वो दरपर्दा है, दरपर्दा पीछे रह के कुछ लोगों को भड़का देते हैं। कई बार मुझे क्लेरिफिकेशन देनी पड़ी। मैं शुक्रगुजार हूँ विरसा चैनल का जी, बड़ा शुक्रगुजार हूँ विरसा चैनल का कि वो मेरे पास आए
उन्होंने मुझसे सवालात पूछे तो उनको मैंने जवाब दिया जी। तो उस इंटरव्यू के बाद बहुत से लोग जो हैं उन्हें अच्छा लगा कि ये तो भाईचारे का दर्ज दे रहा है, और तो मेरा मिशन कुछ नहीं है, मेरा मिशन यही है कि मैं भाईचारे का दर्ज दूँ। और साथ में मेरे भाई ऐसा हुआ कि विरसा वाले चैनल को भी बहुत प्रॉब्लम्स आई जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, यानी कि वहाँ पे भी अफसोस ये है कि उन लोगों को समझ ही नहीं आया है, वो अपना ही लिख रहे हैं कि ये ऐसे नहीं है वैसे नहीं। ओ भाइयों मेरे, मैं ऐसे वैसे वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में भाईचारे की बात कर रहा हूँ, और मैं किसी जो चीज़ मुझे पता है उसी चीज़ के बारे में अपने व्यूज़ दे रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल व्यूज़ दे रहा हूँ। उनको कहाँ कहता हूँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतने टाइम वो रब को याद करेंगे वो बेटर है उनके लिए, निंदा क्या करेंगे, निंदा से क्या होता है, निंदा होता है किसी की ये मतलब गीबत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, पर समझ नहीं रही है मेरी बात को, मैं कहता क्या हूँ। कुरान आपके जहन में या आपके मुताबिक कुरान क्या है? देखिए मेरे भाई, कुरान की जो आपने बात की है, कुरान शरीफ की, ये बड़ी मुकद्दस किताब है और ये अल्लाह का कलाम है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप पर वही आती थी, जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला वो वही दे के भेजते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हत्ता कि कई बार ऐसा होता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सफ़र में ऊँट पे तशरीफ़ रखते थे, चला करते थे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई बार ऐसा होता था जब वही आती थी तो ऊँट की जो टांगें हैं पूरी धस जाती थी, रेत के अंदर धस जाती थी, इतना बार आता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये किताबुल्लाह है, ये अल्लाह का कलाम है कुरान शरीफ में। कहने का आपने कहा कुरान क्या है, कुरान तो ये हदायत है कुल आलम के लिए, अल्लाह ताला ने जो भेजी, किस पे भेजी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यानी कि क्या कुरान मजीद पाक मुकद्दस किताब खाली मुसलमानों के लिए नहीं, ये हदायत है, कोई भी पढ़ सकता है। आप देखिए जब सूरह फातिहा हम खोलते हैं तो अब सबसे पहले आता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो रब है पूरे में पूरे आलमों का। आप क्या कहते हैं, मैं हदीस पाक सुन रहा था, मफहूम सुन रहा था, एक बार सहाबा की आपने कहा ना कुरान शरीफ की बात की, सहाबा कहीं जा रहे थे तो अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सहाबा रसूलुल्लाह अनु कहीं जा रहे थे, अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तशरीफ़ रखी, तो गर्मी के दिन होंगे जी, तो खजूर के पेड़ के साए पे वो बैठ गए जी, अपनी कमर मुबारक आपने लगाई तो टेक लगा के आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। अचानक आपने क्या देखा, सहाबों ने एक बहुत बड़ा सांप निकल आया है काले रंग का, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर जा रहा है। सहाबा रसूलाना ने कहा एक से हम मार डालेंगे रसूलुल्लाह, जब उनके मारने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने सहाबा रसूलानों को मना कर दिया, इन्हें कुछ मत कीजिए। ऐसा हुआ कि सांप इतना क्लोज आ गया, इतना नज़दीक आ गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो कुछ आवाज़ जैसी निकालने लगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने भी सांप को कुछ धीरे धीरे से बोला, तो अचानक ऐसा हुआ कि सांप वहाँ से गायब हो गया, ऐसा लगा कि ज़मीन सांप को निगल गई, पता नहीं लगा। तो सहाबों ने आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान आप पर फिदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा था? तो नबी करीम रहमतुल आलमीन साहिबुल बुराक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया ये जिन्होंने भेजा था ये सांप, इसने सांप की शक्ल इख्तियार की जिन्ने, और इनके कबीले ने भेजा था क्योंकि ये जो जिन्नात थे वो कुरान शरीफ की कुछ आयतें भूल गए थे, तो वो कह रहा था मुझसे पूछ रहा था कि ये आयत कैसे है, तो आप रसूल सल्लम ने फरमाया कि मैंने वो आयतें याद करवा दी इसे, तो वो आयतें लेके चला गया। आप देखिए कि आपने ये कुरान की बात की है, आलमीन यानी जो आलम है उसमें चिंद परिंद जिन सब आते हैं, सबका जो है रब है वो अल्लाह है, वो रब रबुल आलमीन है, पूरे आलम का रब है, आलमों के भी हिस्से हैं, ये बड़ा वसी हो जाता है क्योंकि इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने कहा आप तालिब है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा वसी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी वसी है, अल्लाह का शुक्र है। ये सल्यूट करता हूँ मैं उलमे हक को और अपने मुसलमान भाइयों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट की, जिन्होंने प्यार दिया, मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अरबी भी सीखूँ। तो अरबी सीखने से बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी हमारे जो दसवें गुरु हैं सिखों के, आपने भी हर एक लैंग्वेज पढ़ी है। अगर आप जाप साहब देखोगे, जाप बीन होता है याद करना, किसी को बार बार जपना, रब का नाम लेना, तो उसमें आप हैरान हो जाएंगी कि कितनी बार वहाँ पे फारसी भी है, संस्कृत भी है, ब्रज भाषा भी है। तो आप कहेंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो कुरान से बहुत मिलती जुलती हैं जी, जैसे अल्लाह है, बहुत चीज़ें इंसान वहाँ पे परेशान हो जाता है, कहता है कि ये क्या माजरा है जी। तो जो एक सिख है तो उसको चाहिए कि हर एक रीजन को देखे, सीखे इन द लाइट ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। आपसे यहाँ पे जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब शबे कदर भी आ रही है और फिर ईद भी आ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि जी? देखिए सर, देखिए मेरे भाई तबरेज़ भाई, रहमत के दिन चले गए, मकरत के चल रहे हैं, अब आज़ादी के दिन आएंगे। कौन सी आज़ादी? नारे जन्म से बचने के लिए। तो ये जो आखिरी 10 दिन होते हैं, इसमें एक तो एतिकाफ़ किया जाता है। एतिकाफ़ क्या है? दुनिया से अपने आप को तोड़ दो और रब के घर चले जाओ, सजदागाह मस्जिद शरीफ में चले जाइए। बिल्कुल, वहाँ पे बैठ के अल्लाह का ज़िक्र होता है, एतिकाफ़ होता है, कुरान की तलावत होती है और थोड़ी बहुत इस्लाह वगैरह भी वहाँ पे हो जाती है। बिल्कुल। अब क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसल्लम की सुन्नत है, ये जो एतिकाफ़ है ये सुन्नतों में आता है, तो हुजूर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी एतिकाफ़ पे बैठा करते थे। ठीक है, इसमें ये होता है कि मस्जिद से बाहर नहीं जाना है, ठीक है जी। तो उसमें यह होता है कि जो एतिकाफ़ करते हैं मेरे भाई, नमाज व बाजमात पढ़ते हैं, फिर वो वापस अंदर कमरे में आ जाते हैं, पर्दा लगा देते हैं। करेंगे, आप शबे कदर में देखिए देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए मैं सुबह उठता ही हूँ, उस वक्त टाइम का अल्लाह का शुक्र है, रब का वाहिगुरु का शुक्र है। सुबह उठता हूँ मैं, नितनेम करता हूँ, अपना जपजी साहब का पाठ करते हैं, जाप साहब का करते हैं, तो प्रसाद सवैये करते हैं, ठीक है, अनंत साहब का पाठ करते हैं, तो वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। एक्चुअली जो तहजुद का टाइम है ना जी, क्योंकि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहजुद भी अदा किया करते थे, ठीक है, जो तहजुद का टाइम होता है ये कम से कम इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, और हम जो हिंदू लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तो जो सिख लोग हैं इसे अमृत वेला कहते हैं जी। तो वो टाइम होता ही है, क्योंकि जो आपने कहा शब कदर, वो तो हम पूरा मतलब पूरे साल ही उठता रहता हूँ, रब का शुक्र है, पाठ पूजा होती है हमारी, तो वो नेचुरली हो जाएगा, जब शब होगा उस वक्त तो सुबह उठना ही है जी। बिल्कुल, सुबह उठना ही है, 4 बजे उठते हैं या 3 बजे उठते हैं, नहाना धोना ज़रूरी है, ठीक है, अगर नहा दो आपको लगता है आप साफ़ हैं, अपना हाथ मुंह धो के तो हम इबादत करते हैं अपने तौर पर, पाठ करते हैं। तो शबे कदर में भी यही होता है कि सारी रात आवाज़ें आती रहती हैं मस्जिदों से, आवाज़ें गूंजती रहती हैं, अल्लाह का ज़िक्र होता है जी। तो शब मीन्स होता है कि रात को उठना, बैठना, यानी बैठ के रब को याद करना, क्योंकि रात के बादशाह आप हैं ना, फ्री हैं आप, अब ये आप तक है कि आप रात कैसे बिताओगे। अब आपने शबे कदर का यहाँ पे बात की, पहले मैं एतिकाफ़ की बात कर रहा था, अब बीच में मुझे होता है ना, बीच में क्या करूँ मेरे भाई, हर एक रिलीजन का बताना होता है जी। अब जहाँ पे इस्लाम का बताया, वहाँ पे सिखिज़्म का भी बताया, अब साथ में हिंदुइज़्म का भी बता दिया कि ब्रह्म मुहूर्त होती है, बड़ा पवित्र टाइम होता है उस वक्त, एज पर इस्लाम ऐसा होता है कि अल्लाह ताला साथ में आसमान से पहले आसमान पे आ जाते हैं जी, जो तहजुद का टाइम होता है जो कहते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं उठो मेरे बंदो, मेरे से मांगो, दुआएं मगफरत करो, नियामतें मांगो, मगर उस वक्त इंसान पड़ा होता है, सोया होता है। अब आपने शबे कदर की, ये बहुत ही मुकद्दस रात है, हज़ार महीने जो होते हैं इस के बराबर होती है एक शबे कदर। अब हज़ार महीने देखिए, मैं बैठा था घर में, मैं सोचा हज़ार महीने यार कितने होते हैं, तो मैंने अपनी कैलकुलेशन की, मैं हो सकता है गलत हूँ, वो 83 ईयर्स आती हैं या 84, यार वो तो उम्र होती है एक, यानी उम्मते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नियामत दी आप मुसलमान भाइयों को, कि आप क्या करते इस रात में अपनी बख्शिश करवा सकते हो, दुआएं मगफरत करो, तोबा करो, नमाज पढ़ो, गिड़गिड़ाओ, रोवो अपने रब के सामने, जो आपको चाहिए आखिरत दुनिया जो चाहिए मांगो अपने रब से। बजट सेशन होता है एक बजट सेशन होता है, तो अल्लाह ताला हुक्म दे देता है अपने जो जितने भी फरिश्ते हैं सबको कि इसको ये
कर दो इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है बिल्कुल। अब ऐसा है इसमें शबे कदर में ये हज़ार मीनू से बेहतर एक रात है, ठीक है। तो इतनी तंगी हो जाती है ज़मीन पे, अल्लाह इतने फरिश्तों को उतारते हैं कि ज़मीन भी तंग पड़ जाती है, ठीक है। और हर दुआ पे जी जो फरिश्ते हैं वो आमीन कहते हैं, हर दुआ पे अल्लाह के फरिश्ते आमीन कहते हैं। और साथ में आप देखिए इसमें एक चीज़ जो नोट करने वाली है, बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें चार जो लोग हैं उनकी बख्शिश नहीं है। एक शराब पीने वाला, बिल्कुल। दूसरा माँ बाप का नाफरमान, बिल्कुल। तीसरा रिश्ते तोड़ने वाला, बिल्कुल। चौथा नफरत करने वाला, बिल्कुल। बुगज रखने वाला, इनकी बख्शिश नहीं है। लेकिन अब जो शराब पीने वाला है, कोई दूध का नाया हुआ कोई नहीं है, सब हम गुनाहगार हैं, अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह बख्शने वाला है, बिल्कुल अल्लाह बख्शने, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि माँ बाप का मसला जहाँ पे आता है, अब देखिए कई ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, पछताते हैं कि माँ बाप, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। मेरे मुसलमान भाई जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, आमीन आमीन, इस मुकद्दस महीने की बरकत से। तो जिन्होंने गलती की है अपने माँ बाप से वो तौबा कर लें, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला को गुनाहगार के आंसू बड़े पसंद हैं, तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, बख्शने वाला है, बिल्कुल। तो गिड़गिड़ाएं उसके बाद दुआ करें। अब दूसरे जो रिश्ते तोड़े हैं यार, जाके मिलो रिश्तेदारों से, दोस्तों से, यारों से, जिनसे आप थोड़े बहुत नाराज़ हो, उनके पास खुद जाओ चल के। आप जब उनके पास जाओगे खुद आपसे प्यार करेंगे, क्योंकि आपको अल्लाह का हुक्म मान रहे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया अपनी उम्मत को, देखिए अल्लाह का हुक्म और रसूलुल्लाह का हुक्म, देखिए अल्लाह अल्लाह है, बिल्कुल ठीक है ना, उस जैसा कोई नहीं है, ला शरीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रहमतुल आलम हैं, रहमत बन के अल्लाह ताला ने सबके लिए आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा इस दुनिया में। तो ये क्या करना है, ये इखलाक है, आप जब जाओगे वो खुद आपके गले लगेंगे, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो नफरत है, जिनसे नफरत करते हो, नफरत आप बुराई से करो, नफरत शराब से करो, शराबी से मत करो, बिल्कुल। नफरत चोरी से करो, चोर से मत करो, बिल्कुल मेरे भाई। तो क्या है, उनको रोको इन चीज़ों से, तो वो रुक जाएंगे जब आप मेहनत करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप ये चीज़ें करोगे तो कितना अच्छा लगेगा, बैठोगे आपका दिल भी हल्का होगा, तो जो आंसू निकलेंगे अल्लाह ताला आपकी दुआएं जो है कबूल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। आखिर में आपसे जानने की कोशिश करूंगा, भाईचारे के हवाले से क्या मैसेज देना चाहोगे आप, चूँकि हमने एक प्रोग्राम भी किया है, कई सारे हम प्रोग्राम अब हम भी खुद भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत सारे लोगों के ऐसे विचार थे जिनसे हम खुद भी हर्ट हुए, क्या आपको लगता है? एक तो मैं उन भाइयों को कहता, मैंने आपका Q&A का देखा था, आपने किसी गैर मुस्लिम को कुछ गिफ्ट दी थी जी, आपने पूछा था कि मुकद्दस जगह कौन सी है वहाँ पे जहाँ पे बहुत मुसलमान जाते हैं, तो उन्होंने मक्का शरीफ का नाम लिया, तो ठीक है। देखिए भाइयों के मैंने कमेंट्स पढ़े, ये क्या छू, ये क्या छू, ये क्या किया, यार क्या हो गया आप लोगों को, यार क्या हो गया, ये जो कुरान है, ये जो इस्लाम है, ये तो सब के लिए है ना, बिल्कुल ये तो सब के लिए, इस तरह से नहीं कहते हैं मेरे भाइयों। आप मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे कश्मीर के जिगरों, मेरे लाल फुलियों, देखो आप किसके उम्मती हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो, जिन पे एक औरत हमेशा गंदगी डाला करती थी आप रसूलुल्लाह सम पर, तो कुछ नहीं जाते थे वो साफ़ हो जाते थे, ठीक है, फिर अपना साफ़ करके फिर चले जाते थे, एक बार ऊपर से गंदगी नहीं आई तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर उनके पास चले गए, तो आपने कहा कि मेरी माँ आपकी सेहत ठीक है, तो वो शर्मिंदा होगी। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बताइए हम जो उम्मत है, हमें किस तरह का हिसाब करना चाहिए गैर मुस्लिमों के साथ? अब जो वो कमेंट्स पड़ेगा समझ आएगी, क्या कहेगा वो, दोबारा बात करेगा, वो कहेगा ये मुसलमान, ये क्या कहेगा वो मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे जिगरों, मेरे लाल फुलों, में हाथ जोड़ता हूँ यार, रिप्रेजेंट करो इस्लाम को, बिल्कुल रिप्रेजेंट करो इस्लाम को, क्या है, मैं तो सिख भाइयों से भी कहता हूँ रिप्रेजेंट करो इस्लाम को, मतलब सिखिज्म को रिप्रेजेंट करो आप, जैसे मुसलमान भाई हैं, जैसे इस्लाम हमें क्या कहता है, ठीक है ना, इस्लाम हमें क्या कहता है, हम क्या कर रहे हैं, सिखिज्म क्या कहते हैं, मैं बातें बड़ी करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद अपनी अपनी ज़ात को कहता हूँ मैं क्या, हिंदुइज़्म क्या कहता है, दया करो, रहम करो, और हम क्या कर रहे हैं। ये भाई अगर गैर मुस्लिम है, कोई किसी भी मज़हब का हो, पिछली बार मैं देख रहा था एक मुसलमान भाई ने शब्द गायन किया है,
गुरु नानक देव जी के साथ मर्दाना जी थे और मर्दाना जी मुसलमान थे और मर्दाना जी की बानी जो है वो दर्ज है गुरु ग्रंथ साहब में। यार ये नफरतें क्यों फैला रहे हैं? और देखो मेरे भाई, मैं आपको बोलूँगा एक बात, ये नफरत वो फैला रहे हैं, ये दरपर्दा हैं, ये जालसाज हैं, ये बदमाश हैं। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, खुद पीछे रहते हैं। लड़के हैं ना जो बेचारे, उनको पता नहीं है बेचारों को, तो ये लड़कों को आगे लगा देते हैं, बेचारों को पता नहीं है, वो इस तरह के कमेंट करते हैं, ये करते हैं, खुद वो पीछे रहते हैं। खुद वो कल जब आएंगे फिर सबके साथ करेंगे सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार सबके साथ। इन भेड़ियों से बचो। आपको पता है भेड़िया कितना बदमाश होता है, फॉक्स जो होता है पता है आपको, वो खरगोश के बच्चे कैसे पकड़ता है मेरे मुसलमान भाइयों? वो क्या करता है, वो उसका वो बड़ा गहरा होता है, जहाँ पे वो खरगोश होता है ना, वो ब्रो कहते हैं उसका जो हैबिटेट होता है बड़ा, जहाँ पे उसका घर वो गहरा होता है, बड़ा नीचे होता है। तो ये बदमाश क्या करता है, ये अपनी दुम डालता है उसमें, दुम डाल के हिलाता है, बच्चे खेलते हैं दुम के साथ, जब वो पकड़ते हैं दुम ये एकदम से दुम को ऊपर करता है, उनको खा जाता है। ये भेड़िए हैं, ये कश्मीरियत के दुश्मन हैं। इनसे आप, मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे सिख भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे कश्मीरी भाइयों, भाइयों इन लोगों से आप खबरदार हो जाइए, इनकी बातों में मत आओ, क्योंकि ये सामने नहीं आ रहे हैं। आप लोगों को पता है सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। अब मैं कुछ बोलूँगा किसी के बारे में तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आई हैव टू ओबे, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन को ओबे करना है, मुझे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को ओबे करना है, क्योंकि मैं बाशिंदा हूँ यहाँ का, मैं रहने वाला हूँ यहाँ का। आई हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ कंट्री, ठीक है? इसलिए मैं बोलूँगा नहीं, कोई होने दो, ये टाइम होने दो, वक्त आएगा, ये भी आपको बताऊँगा वो कौन लोग हैं, और मुझे पता है सबका ये कौन लोग हैं, ये क्या क्या सियासतें यहाँ पे खेल रहे हैं, नाम लेना गलत हो जाएगा इस वक्त। तो मैं कहता हूँ भाईचारे के साथ रहो, प्यार मोहब्बत के साथ रहो, और क्या है मेरे भाई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी। बाकी ईद का है, ईद पे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह ज़रूर आपके साथ मैं फिर जुड़ूंगा, इंशाल्लाह ताला जुड़ूंगा। अब मेरी यही रिक्वेस्ट है, भाईचारे से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, और शबे कदर वाले दिन आप मेहरबानी करके दुआओं में करना, और दुआओं में कहना कि हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई जो हमारा सरमाया थे यहाँ पे, जो हमारा एक हिस्सा है यहाँ पे, कश्मीर की तहजीब का एक हिस्सा है, बड़ा इम्पॉर्टेंट अंग है, अल्लाह से दुआ करो कुछ ऐसा अल्लाह ताला चारा करे, कुछ ऐसा करे अल्लाह ताला, कुछ ऐसा हो कि जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, जो कश्मीरी पंडित भाई जो यहाँ से चले गए हैं, वो यहाँ पे वापस आए, और हम पहले की तरह जैसे हम 70s में 80s में यहाँ पे रहते थे, उसी तरह पे हम यहाँ पे रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी हमारे साथ बात करने के लिए। बड़ा ही बड़ा दिल खोल के जो आप जब भी मुलाकात आपके साथ करते हैं तो आप दिल खोल के बातें करते हैं, और ऐसी बातें करते हैं कि जिनसे इंसान की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए कि हम सब कहीं ना कहीं अपनी राह से ज़रूर भटके हैं, हम सब कहीं ना कहीं वो सिरातुल मुस्तकीम जो हमें दिखाई गई थी उससे भटक चुके हैं, और आप हमारा आईना है, आप हमें बार बार आईना दिखाते रहते हैं। एक ख़ास रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की पुरजोर कोशिश की, मैं अबरार मुतू हूँ, और आज की इस खास मुलाकात में हमने अभिजीत सिंह तालिब को यहाँ पे आमंत्रित किया था, और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये आए और हमारे साथ आज थोड़ी सी गुफ्तगू की, और हमारे नाज़रीन को भी अपने जज्बात और ख्यालात के रूबरू कराया। आज के शुमारे में इतना ही, अगले शुमारे में आपसे ज़रूर मुलाकात कराएंगे, ऐसे किसी ख़ास शख्स के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे इंशाअल्लाह। मुस्तान, तब तक के लिए अपने मेज़बान अबरार मुतू को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।